हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के लिए लगातार लैब जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, राजस्थान जीके की क्लासेस हैं, वो सब लेकर के आ रहा हूँ। अब आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों कि अगर जो है मैं आप लोगों के लिए स्ट्रेटजी के ऊपर लगातार वीडियोज लेकर के आऊँ और एग्ज़ाम डेट को जो है पोस्टपोन के वीडियो, मतलब मैं देख रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर अभी अगर व्यूज़ के बेस पर बात करें तो ज़्यादा लोग वो वीडियो देखते हैं जो स्ट्रेटजी के ऊपर है, एग्ज़ाम डेट के ऊपर है, एग्ज़ाम के पैटर्न पर है, सिलेबस पर है। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक गुमराह करा जा रहा है कि हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन फ्री एजुकेशन के नाम पर ऐसे वीडियोज़ डाल करके आप लोगों से जस्ट एक टाइम पास करवाया जा रहा है। और इस चीज़ से दोस्तों मैं आज थोड़ा सा कुछ कटु शब्द बोलने वाला हूँ, कटु सत्य जिसे कहा जाता है, और जिसे हम कह सकते हैं कि कुछ सच्चाई आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को जो है आप पूरा देखिएगा, आपको सच्चाइयाँ कुछ पता चलेगी। जैसे कि देखिए, बड़ी से बड़ी कोचिंगें हों वो आप लोगों को 2 से 4 वीडियोस फ्री में प्रोवाइड करवा करके, आपको डरा करके या आपको ऐसे बता करके कि हम ये देंगे वो देंगे, उसके बेस पर आपसे जो है फ्री एजुकेशन रियलिटी में कोई देना नहीं चाह रहा है। और उसका रीज़न कहीं ना कहीं जो है मुझे अब लग रहा है कि यही है कि लोग फ्री में पढ़ना नहीं चाहते। आज मैंने लगभग देखिए दृढ़ पिंड गति की, ऊष्मा गति की, दोलन, स्थिर वैद्युत की, विद्युत धारा और ऑप्टिक्स, कितने 6 चैप्टर कंप्लीट, एक एक टॉपिक का एक एक पॉइंट विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करा। लेकिन उन सभी के ऊपर अगर व्यूज देखें तो 300, 150, 400 इतने। वहीं अगर मैं ये वीडियो डालता हूँ कि एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन हो गई, कैसे तैयारी करें, तो उस पर सीधा 10,000, 20,000, 30,000 व्यू। क्यों? क्योंकि हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट एक टाइम पास कर रहे हैं, अपने माता पिता को पागल बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों हकीकत ये है कि माता पिता पागल नहीं बन रहे, आप अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। इस चीज़ को, इस सच्चाई को जानिए। YouTube पर आकर के डेली वीडियो सर्च मारना, लैब स्टैंड के लिए कैसे प्रिपरेशन करूँ, मेरी वीडियो देखी, किसी और टीचर्स की देखी, किसी और टीचर्स की देखी, और सबके नीचे कमेंट कर दिया, सर मेरी फिजिक्स वीक है, फिजिक्स स्ट्रांग कैसे होगी, सर मेरे फिजिक्स में इतना ही आता है, मैं क्या करूँ, सर मेरे मैथ का हूँ, मैं बायो कैसे तैयार करूँ। तो दोस्त, कमेंट करने से कोई तैयारी नहीं होगी, ये सच्चाई है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि किसी के वीडियो को कमेंट कर दिया या उसके व्हाट्सअप नंबर ले लिए या किसी बड़े टीचर के साथ में आपने फ़ोटो खिंचवा करके स्टेटस पे लगा दिया विद दिस सर फलाना ढिकला, तो उससे कुछ नहीं होता है। हकीकत ये है, उससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। आज हमारे पास 20,000 मेंबर्स हैं, हमारी राजस्थान एकेडमी सिरोही के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो 20,000 हो चुके हैं। 20,000 में से मैं जिस सिरोही डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहा हूँ, यहाँ से कई बच्चे जुड़े हुए हैं और उनके मैसेज भी आते हैं, सर मैं वहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ। वो आते हैं, मिलते हैं और पूछते हैं सर कैसे पढ़ाई करूँ, उनको बताता हूँ, फिर लास्ट में वो कहते हैं सर फ़ोटो लीजिए। फ़ोटो ले लेता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, फ़ोटो लीजिए आप, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोस्त उस फ़ोटो से सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा तो पढ़ाई करने से होगा, और मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाओ, चाहे किसी के भी साथ में फ़ोटो खिंचवा लो, चाहे कोई IAS टॉपर के साथ खिंचवा लो, उससे सिलेक्शन नहीं होता। वो तो सिर्फ एक याद है कि जब मैं तैयारी करता था तब मैं उनसे मिला था, उससे क्या होगा, कुछ भी नहीं। तैयारी करने का मतलब है आप पढ़ाई पर फोकस करें, अपनी पढ़ाई को जो है कभी भी दबने ना दें, कंटिन्यूटी बनाए रखें। हमारी एक दिन क्लास नहीं आती है तो कमेंट आता है सर आपकी क्लास आज नहीं आई, तब हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि बच्चा लगातार क्लासेस देखते हुए आ रहा है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जैसा कि पता है मैं ऑलरेडी सर्विस के अंदर हूँ, तो कई चीज़ें मुझे मैनेज करके चलना होता है, साथ ही साथ मैं कई 11th 12th के बच्चों को फ्री भी पढ़ा रहा हूँ, तो कई चीज़ें मैनेज करनी है। उनके चक्कर में कभी जो है हेल्थ इश्यूज भी बन जाते हैं, इतना हेडेक होता है कि कई बार तो ऐसा लगता है सब चीज़ें बंद कर दें, लेकिन फिर भी
एक जो मुहिम छेड़ी है कि हम फ्री एजुकेशन देंगे तो हम दे रहे हैं, उसके लिए तत्पर हूँ मैं, लगातार मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन जब आपके व्यूज़ नहीं आते हैं, कई स्टूडेंट जो है फिर नेगेटिव कमेंट कर देते हैं, तो उससे फिर अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज़ आप लोग नेगेटिव कमेंट करें, कुछ भी करें, मैं सिलेबस करवा दूंगा। बट अगर आपको सिलेक्शन करवाना है, आप चाहते हैं कि अपना सिलेक्शन हो, तो उसके लिए आप पढ़ाई पर फोकस करें। इस राजस्थान एकेडमी सिरोही चैनल कहें, परिवार कहें, कोचिंग कहें, जो आपको कहना है, मैं इसे सिर्फ और सिर्फ एक ये मानता हूँ कि मेरी एक एजुकेशन देने का जरिया है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को एक जो है ये समझें कि हम इस टारगेट के ऊपर हैं कि हम जितनी भी वैकेंसी के लिए, सेकंड ग्रेड मैथ्स के लिए हमने वीडियोस अपलोड कर रखी है, फर्स्ट ग्रेड के लिए हमने करी है कुछ, रीट का पूरा 92 वीडियोस में रीट की पूरी मैथ्स हमने अपलोडेड है हमारे चैनल के ऊपर। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ये लोगों तक पहुँचाएँ कि आपको फ्री में एजुकेशन दी गई है, आप पढ़िए, यहाँ से सिलेक्शन लीजिए। हम ये चाहते हैं कि कोई बच्चा अगर YouTube के ऊपर पूरे राजस्थान का एक ऐसा चैनल हो जिसके जैसे आप जो अलग अलग कोचिंग के ऐप होते हैं, आप ऐप खोलते हैं, उसके अंदर आपका पर्टिकुलर कोर्स होता है, आप उसकी लिंक में देखते हैं, उसमें वीडियोज़ आते हैं। हम भी यही चाहते हैं कि YouTube के ऊपर राजस्थान एकेडमी सिरोही चैनल एक ऐसा होगा जिसके ऊपर सभी कोर्सेस कंप्लीटली फ्री उपलब्ध होंगे, साथ ही साथ कंटिन्यूटी में टॉपिक वाइज टॉपिक उपलब्ध होंगे। और इसके लिए आप अगर देखेंगे तो हमने इन्वेस्टिगेटर का जो एग्ज़ाम हुआ, स्टैटिक्स हमने पूरी करवा रखी है, आप देखिए जाकर के। रीट लेवल 2 की मैथ्स देखिए, कंप्लीट है। आप लैब असिस्टेंट में देखिए, फिजिक्स के 63 वीडियोस, 6 टॉपिक के 63 वीडियोस, आप पेड कोर्स में भी आपको इतना क्वालिटी कंटेंट बहुत कम जगह मिल रहा होगा। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पेड कोर्स ले रखा है और वो फिर मुझे मैसेज करते हैं कि सर वहाँ हमें समझ में नहीं आ रहा, आप पढ़ाइए, फ्री पढ़िए, हम तो पैसे ले ही नहीं रहे। कई बच्चों के कमेंट आते हैं, सर आपके कोर्स के बारे में बताइए। मैं एक ही रिप्लाई करता हूँ, हमारा कोर्स यूट्यूब के ऊपर फ्री है, जाकर देखो, दिखाओ, सिलेक्शन लो और आओ और मिठाई खिलाओ भाई, कि सर मैं फ्री पढ़ के सिलेक्शन लिया। और लोगों को बोलो कि हाँ भाई पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा, फ्री पढ़ें, पेड पढ़ें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, वो कर लें, वो कर लें, उससे कुछ भी नहीं होगा, पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और कुछ वैकेंसी अभी जैसे ऐड भी हुई है बैकलॉग की, तो अब 1019 हो गई, ठीक है। अब वो 12 थी, 19 थी, वो भाई बहन ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं हमेशा बच्चे को यही कहता हूँ कि एक सीट के ऊपर आप अपना टारगेट रखें, अपनी एक सीट लेनी है, बाकी की अपने कोई मतलब ही नहीं है। एक सीट के ऊपर भी सिलेक्शन करवाने वाले करवाते हैं, जो AIR 1 लाता है वो हमेशा किसके लिए तैयारी करता है, एक सीट के लिए, तभी तो वो AIR 1 लाता है कि फर्स्ट में आऊँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप भी ऐसी ही कुछ अच्छे से तैयारी करें। हमारे 6 टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के साथ मैं कल 2-3 मोटिवेशनल कोट्स भी मैंने शेयर करे थे, जो बच्चों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया कि सर बहुत अच्छे लगे। जैसे मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो अगर आप लोग अपने लक्ष्य के प्रति, अपनी लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आ चुकी है इतना भी आपको पता है, आपने उसका सिलेबस भी देखा है, आपने क्लासेस अटेंड भी करी है, नोट्स नहीं बनाए हैं, तब भी आप उनसे तो आगे ही हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल करने का इंतजार कर रहे हैं। 28 तारीख लास्ट है, भरेंगे उसके बाद पढ़ेंगे, तो वो तो गुमराह ही है। तो अभी वैकेंसी आ चुकी है, ये देखिए पहले तो, क्योंकि कई बच्चे तो पहले यही कमेंट करते रहते थे कब आएगी कब आएगी कब आएगी, वैकेंसी आ गई है, देख लो टाइम जा रहा है। 28-29 जून लास्ट डेट है। फिजिक्स के 6 टॉपिक हो चुके हैं। वेव वाला टॉपिक जो है दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूँगा एक ही वीडियो के अंदर इसको टाटा बाय बाय करें। मैं नहीं चाहता हूँ ये टॉपिक ज़्यादा लेंथी खींचा जाए, ये मैं चाहता हूँ कि आपका कंप्लीट हो जाए। और इसके लिए टाइम मुझे मिल भी जाएगा, 2 और 3 अप्रैल को आई थिंक हमारे विद्यालय में छुट्टी रहेगी, उस समय मैं आपका ये टॉपिक पूरा करवा दूंगा। मतलब अभी चलेगी कल क्लासेस थोड़ी बहुत, लेकिन 2-3 अप्रैल तक हम इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर देंगे, यानी हमारे 7 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके होंगे। बाद में बचेंगे हमारे केवल और केवल 3 टॉपिक।
जिसमें से ये हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल जो है ये एक दिन का ही है, मैंने बताया था। मतलब मैं आपको बता दूं, हमारे फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट होने वाला है और अप्रैल के अंदर हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई भी व्यवधान नहीं आते हैं, कोई रीजन नहीं बनता है, तो 20 अप्रैल तक हम ये फिजिक्स पूरी कर चुके होंगे, 20 अप्रैल तक। समझ रहे हैं इस बात को? तो प्लीज़ आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर भी करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ दोस्तों आप लोग जब शेयर करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, व्यूज़ आते हैं, तो एक थोड़ा सा अंदर फील आता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं। लेकिन हालांकि मैं इसके लिए बिल्कुल भी ऐसा टेंशन नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक बच्चा भी जुट रहा है वो पढ़ रहा है तो उसका भी भला होगा तो खूब है। सबका भला तो पूरे दुनिया का भला तो अपन अकेले कर नहीं सकते, लेकिन अपन जितनों का कर सकें उतनों का ही सही। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है शेयर ज़रूर करें, आप लोग भी ज़रूर देखें वीडियो, एक पूरी देखें। हम बाद में देखते हैं कि कौन सी वीडियो, तो कई वीडियोस आप देखते नहीं है पूरी पूरी। मैं चाहता हूँ पूरी वीडियो देखें, नोट्स ज़रूर बनाएं। थोड़ा सा कष्ट होता है ऑनलाइन पढ़ाई में, इसीलिए तो मैं कई बार जो है एक घंटे की क्लास लेने के बाद सोचता हूँ कि यार एक घंटे की अपलोड करूँ कि नहीं करूँ। 30 मिनट 45 मिनट तक ही मैं क्लास अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, कि ज़्यादा लंबी क्लास भी बच्चा नहीं देखता। हम 10 घंटे 6 घंटे 12 घंटे 13 घंटे 24 घंटे क्लास लगा लेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। मैराथन क्लास लेने से बच्चा पढ़ाई नहीं करता, वो जस्ट एक आपके एडवर्टाइजमेंट है कि बच्चा टाइम पास करे। नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो। तो प्लीज़ आप पढ़िए। ये एक आज जो है मोटिवेशनल वीडियो आप माने या आप लोगों को कुछ सच्चाइयों से रूबरू करवाना था कि प्लीज़ यूट्यूब के ऊपर जो टाइम वेस्ट आप कर रहे हैं हाउ टू स्टडी इन वोन, तो उसके ऊपर वेस्ट मत करिए। 2018 में भी मैं ऐसे ही समझाता रहा, आज भी मेरी वो वीडियोस अपलोडेड हैं, आप देखिए हमारे प्लेलिस्ट के अंदर, मतलब यूट्यूब के ऊपर आप ओल्ड वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ जाके देखेंगे। तो मैं पहले भी यही कह रहा था, पढ़ाई करिए एग्ज़ाम का इंतज़ार मत करिए, पढ़ाई करिए एग्ज़ाम का इंतज़ार मत करिए। एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद में कमेंट आए, सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया था, आपके नोट्स अच्छे थे, लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि सर हमने पढ़ाई नहीं करी। तो बाद में पछताओगे, उससे बढ़िया है ना कि अभी ही पढ़ लो। क्यों अभी अपना समय व्यर्थ कर रहे हो? और आपको पता है सब चीज़ें वापस लाई जा सकती है, एक समय को ही वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए मैंने लिखा है खुशियाँ मिल ही जाएगी एक दिन, रोते रोते ही सही, कमज़ोर दिल के वो हैं जो हंसने को ही सोचते ही नहीं। पूरे होंगे हर वो ख्वाब, पूरे होंगे हर वो ख्वाब जो देखते हैं अंधेरी रातों में, जो देखते हैं अंधेरी रातों में, ना समझ वो है जो डर से पूरी रात सोते ही नहीं। तो आपको ना समझ नहीं बनना है, आपको डरना नहीं है कि हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो होगा सिलेक्शन नहीं हुआ तो। अरे सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता है? एक कम से कम मैं साइंस के 10 टॉपिक ऐसे तो पढ़ लूँगा जो किसी और को नहीं आ रहे होंगे, हो सकता है वो 10 टॉपिक मुझे कहीं ना कहीं अलग एग्जाम में बेनिफिट दें। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए किसी भी चीज़ को जानने के लिए एक तत्पर रहिए, अपने मन में एक जिज्ञासा रखिए कि मैं इस चीज़ों को जानना चाहता हूँ। ये तरंगे हैं क्या? तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत होता क्या है? मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं सिलेक्शन के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सोचूँ। मैंने आपको बताया था इससे पहले भी मेरे वीडियो के अंदर कि मैंने पूरी 1000 बुकें लाई हैं और पूरी मेरे सामने पड़ी है। पढ़ते हैं, सीखते हैं, जानिए चीज़ों को जानिए। सिलेक्शन तो ऑटोमेटिकली एग्जाम में हो जाएगा, लेकिन उसके लिए अपने मन में एक जिज्ञासा बनाइए कि आप जो चीज़ करना चाहते हैं। आप देखो, आपको पता है आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो मतलब ये तो क्लियर है कि आप पढ़ना चाहते हैं। तो पढ़ना चाहते हैं तो क्यों ना बहुत सारी चीज़ें पढ़ें। हम क्यों अपना समय व्यर्थ करें उन चीज़ों में जो हमारे पढ़ाई से संबंधित नहीं है? जैसे हम अब IPL स्टार्ट हो रहे हैं, हम IPL पे ध्यान दे रहे हैं। अरे भाई, जब वो पढ़ाई से लिंक रखता ही नहीं तो मैं क्यों देखूँ? IPL कौन देखेगा? जो क्रिकेटर बनना चाहता है भविष्य में, एक मनोरंजन के लिए देखोगे वो अलग चीज़ है, वो आधा घंटा 15 मिनट देखिए काम कंप्लीट। मैं आज भी आपको बता दूं, मुझे आज भी नहीं पता है कि IPL के अंदर कितनी टीमें हैं, क्या है, कुछ भी नहीं पता है। मैंने अगर IPL थोड़ा बहुत भी 10 से 15 मिनट भी लगातार देखा था तो मैंने आज तक वही देखा है जो गेल ने एक बार लगातार सिक्स मारे थे, वो याद है, बस वो सीन देखा हुआ है। पूरे क्रिकेट के अंदर अगर कोई सीन मुझसे पूछा है कि आपने क्रिकेट देखना कब स्टार्ट करा, तो जो आपके सचिन तेंदुलकर जी ने वर्ल्ड कप के अंदर एक बॉल मारी थी और फिर आपके मलिंगा ने जो बॉल फेंक करके इन्हें एक डायरेक्ट विकेट आउट हुए थे, वो
उस टाइम का वो एक सीन याद है। उस टाइम से मैं क्रिकेट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूँ, देखता हूँ, मतलब देखता कंटिन्यूटी में कभी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा फील्ड ही नहीं है। जब मुझे क्या सचिन तेंदुलकर जी बैठ करके किसी भी एजुकेटर का वीडियो देखते हैं? वो कभी फिजिक्स या केमिस्ट्री की क्लास देखते हैं? नहीं देखते, क्योंकि उन्हें पता है वो चीज़ उनके काम की नहीं है। एक IITian क्या करता है? वो ये चीज़ें देखता है। वैसे आप लोग अगर लैब असिस्टेंट बनना चाहते हैं या गवर्नमेंट जॉब किसी भी तैयारी कर रहे हैं, आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे होंगे, सेकंड ग्रेड की कर रहे होंगे साथ में, या आप साइंस फील्ड से हैं तो रीट लेवल 2 की कर सकते हैं, कई अंदर एग्जाम्स भी है, तो आप उनकी तैयारी कर रहे हैं तो क्यों हम उनके वीडियोस देखें? क्यों हम IPL में ध्यान भटकाएं? हमारा मत भटकाइए, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, और कुछ नहीं कर सकता। अपने माता पिता के चेहरे को देखें, उनकी मेहनत को देख करके आप मेहनत करें। 28-29 जून बहुत जल्द आ रही है, बहुत करीब है। और अभी जो एक राजनीतिक संग्रह बना हुआ है, आप लोग जान रहे होंगे कि हर जगह कभी BJP, कांग्रेस, आप, एक नई पार्टी RLP वगैरह, बहुत एक संघर्ष चल रहा है राजस्थान के अंदर। इसको देखते हुए कभी भी वर्तमान की सरकार ये नहीं चाहेगी कि हम एग्ज़ाम को पोस्टपोन करें या एग्ज़ाम डिले हो या एग्ज़ाम रद्द हो। क्यों? इन्हें पता है कि अगर हमने ये चीज़ें करी तो हमें कहीं ना कहीं हमारे जो आगे आने वाले चुनाव है वहाँ इफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए उसका बेनिफिट आप उठाइए, उसका बेनिफिट सरकार नहीं उठा रही, उसका बेनिफिट आप उठाइए कि आपके टाइम से टाइम एग्जाम हो रहे हैं जल्दी से जल्दी, उसका बेनिफिट उठाइए और अपनी तैयारी करिए और सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, तो हमारे 6 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, 7वां टॉपिक हम स्टार्ट कर देंगे। और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं कि आप अपना सिलेक्शन लेकर के रहें, मैं ये चाहता हूं और यही आप लोगों के लिए दुआ कर सकता हूं, और मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो, आपको फ्री में पढ़ा सकता हूं और पढ़ा रहा हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। मैं घर आकर के आपको नहीं बता सकता कि आप ये पढ़िए वो पढ़िए। ठीक है, धन्यवाद, लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।